BMC may be set to add another feather to its cap after unanimously passing a proposal to ban mannequins displaying lingerie in Mumbai. The municipal corporation has now turned its attention to lingerie advertisements. The BMC already stirred a hornet's nest when its corporators unanimously passed a proposal to ban public display of mannequins wearing lingerie. Why? According to them, the plastic figures are provocative and promote rape. The same logic is now being applied to advertisements of lingerie as well. लॉन्चरी आपने बेचने के लिए रखी है, लेकिन उसका तुम जो उपयोग है ना वो गलत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य महिला देखती भी नहीं है और हम महिला तो देख के वो खरीदते भी नहीं है। आज तक हम लोग ये प्रोडक्ट खरीदते वक्त हम लोग हमारा प्रोडक्ट खरीद के निकल जाते हैं, तो ये किसी लिए प्रदर्शन हो रहा है और किस चीज के लिए हो रहा है? Headlines today's Aditya Amar joins us live from Mumbai. So is now the corporator Ritu Tavre even going to ask for a ban on all the advertisements, and how have the traders reacted to this, Aditya? See, first of all, there was a proposal not by Ritu Tavre but a corporator in BMC House around 2 months back, when they said that all the banners and hoardings should be free of the lingerie ads. But that proposal wasn't passed and it hasn't gone to the commissioner. In terms of mannequins, yes, the proposal has been passed unanimously, but the traders are totally opposing it. They say that this is a direct impact on their advertisements, and that's why they don't want to withdraw. There are two aspects here. First of all, the people who have been elected by the general mass, they are the corporators, and okay, they have unanimously passed it in the house of BMC. But on the other hand, when we went on the road and spoke to the people, stay on with me for another second, because the Shiv Sena corporator Ritu Tavre is with us on the phone line. Ritu ji, kya aapko lagta hai ki mannequin se saath saath ab advertisement jo hai, jo hoarding lagti hai lingerie ke liye, unko bhi khatam kar dena chahiye Mumbai se? Main DJP corporator hoon first. जी बोलिए रितु जी। हेलो। हाँ जी, बीजेपी कॉर्पोरेटर रितु तावड़े बात कर रही हूँ। और आपने जो कहा कि एड के ऊपर बैन होना चाहिए, मेरे ख्याल से 2005 में लोकसभा में एक ठराव पारित हुआ था, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट 2005। वो एक्ट के तहत भी ऐसा ही है कि जिस प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आप दिखावा दे रहे हैं, लेकिन वो करते समय महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, डिसेंटी आनी चाहिए। अगर हम कहे जैसे मैंने मैनिक्वींस का जो मुद्दा उठाया है कि मैनिक्वींस के ऊपर लॉन्चरी डरा के वो लेडी फिगर आप रस्ते पे खड़े कर रहे हो, तो उससे क्या समाज में एक गलत मैसेज आता है, बच्चे के ऊपर इफेक्ट होता है, एक असामाजिक तत्व के लोग हमारे जो आजू बाजू में है वो सब देख के, और जो रेप केसेस भी बढ़ रहे हैं इनको भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये माध्यम हो सकता है। तो उसी के साथ ये जो एड्स अभी जितने भी आप देख रहे हैं, एड भी इतने सारे देख रहे हैं, वो सब गलत ही है ना, क्योंकि हमारा जो कल्चर है ये सिखाता नहीं है। पर ऋतु जी, ये एडवर्टाइजमेंट का तो बहुत सीधा संबंध होता है कि कोई चीज अगर बाजार में बिक रही है, आप उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये सिर्फ एक आइटम ऑफ क्लोथिंग है, इसमें कोई गलत मानसिकता की बात कहाँ से आती है? लेकिन मेरा ये तो आपने कहा है, इसका मैं आंसर दे रही हूँ, लेकिन मेरी जो फाइट है मैनिक्विंस के लिए, मैनिक्विंस को जो चढ़ाते उसके लिए। अभी आप जो बोल रहे हैं एड का, तो मैं मेरे हिसाब से बोल रही हूँ, मुझे वो भी गलत लग रहा है। अभी एड के हिसाब से वो अपना एड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन मेरी फाइट जो है, मैं बीएमसी की कॉर्पोरेटर हूँ, और बीएमसी की कॉर्पोरेटर के नाते बीएमसी के फुटपाथ पे मैनिक्विंस लगाते हैं, तो फुटपाथ पे इलीगल काम होता है इनका, कि फुटपाथ वो इंक्रोच करना चाहते हैं, और उसी के साथ फुटपाथ पे डायरेक्ट महिलाओं की फिगर, जो जिस तरह से उन लोग टू पीस डाल के अंडर गार्मेंट्स लॉन्चेस वगैरह पहना के उसको जो जिस तरह से प्रदर्शित करते गंदे तरीके से, उसके खिलाफ मेरी फाइट है कि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गलत देख रहा है और गलत है, इसके लिए उसके खिलाफ।